साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज सुकुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के ओटीटी रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनरा की मूवीज देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोग को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहे था जिसके रीजन से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीजन से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने की वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के ओटीटी प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतजार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को
मूवी देखने को मिल रही है, थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इस मूवी को अली अब्बास जाफर शाह ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रहकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीज़न से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्में के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज़ फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज़ प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHSMovieYoddha लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो, ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जॉनर से है, एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जॉनर के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों
बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार टू जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रीडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लिखे कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लिखे कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज, फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज़ स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनरा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियां छोटे मियां एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहे था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ
शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने की वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली। और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीज़न से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की। और अब आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ। और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को देवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों, आप लोगों में से कन-कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो? हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान, और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतजार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन-कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो? आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीज़न से आप सभी को बता दें, बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़
देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियां छोटे मियां के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे। और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #फुल एज मूवी योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर फुल एज पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार के दूसरे सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा की मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज़ स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है।
अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली, लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली। और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज़ करने के जिक्र किया था, उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अब्बास जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास के बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज
सुकुमारन जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज़ प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियां छोटे मियां के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHSMovie योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है, और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा।
साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के ओटीटी रिलीज, फुल इन्फॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फिल्में देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा, फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज़ में आई जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज़ में आया था जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियां छोटे मियां एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। उन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीज़न से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के ओटीटी प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतजार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को
मूवी देखने को मिल रही है, थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इस मूवी को अली अब्बास जाफर शाह ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटी मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रहकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइट हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनरा की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीज़न से आप सभी बता दें, बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए। इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे। और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्में के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज़ फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज़ प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHSMovieYoddha लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो, ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जॉनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है, और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जॉनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जॉनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों
बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार टू जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रीडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज सुकुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोग को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहे था, जिसके रीजन से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीजन से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कौन कौन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो, कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ
शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली, लो बजट मूवी होने की वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली। और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की। और अब आप सभी कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ। और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीज़न से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्में के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़
देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीजन से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे। और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHSMovieYoddha लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा की मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस, इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रीडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #BadeMiyaChoteMiya हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #AkshayKumar #TigerShroff हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ FullHD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज, फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज़ में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज़ के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज़ स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनरा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है।
अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। उन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहे था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनरा की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने की वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली, और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज़ करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान, और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्मों के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीज़न से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे। और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज
सुकुमारन जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #फुल एज मूवी योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर फुल एच पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है, एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार के दूसरे सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा की मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस, इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, में से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा।
साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे लोग इस मूवी हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ओटीटी रिलीज, फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के पूरी की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाली इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज बड़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के ओटीटी प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को
मूवी देखने को मिल रही है, थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर्ड ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनरा की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इन मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनरा की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अब्बास जफर ने 2024 में जो कि 2023 की ब्लडी डडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास के बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने का सबसे बड़ा रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHasMovie योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो, ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है, एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फ़ैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों
बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज हुआ टू जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के पूरी की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी को OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली, और हाल ही में
थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की। और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ। और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान, और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जनर की मूवीज भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीजन से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम
इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। हैशटैग फुल एज मूवी योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर फुल एच डी पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है, और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हैशटैग बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, हैशटैग अक्षय कुमार हैशटैग टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक
सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं। पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए। पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। उन दिनों काफ़ी सारे लोग को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीजन से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीजन से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली। और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की। और अब आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ। और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतजार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्में के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो,
इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियां छोटे मियां के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीजन से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी कंट्रीब्यूट करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHeadMovieYoddha लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है, और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा, और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रीडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #BadeMiyaChoteMiya हिंदी वर्जन फुल मूवी लिखे कमेंट करिए, #AkshayKumar #TigerShroff हिंदी न्यू मूवी लिखे कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ FullHD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग इस मूवी कि हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो,
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज़ में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी को OTT रिलीज़ के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज़ स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर इस मूवी के चार्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्मों की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। उन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने की वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज़ में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज़ करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अब आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्मों के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीजन से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को
बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल रहा है। और अली अफज जफर ने 2024 में, जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक ओटीटी रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था। उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें, बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए। इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज़ करेंगे। और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिएगा ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है और मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीजन से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHeadMovieYoddha लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी के प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर फुल एच पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनर के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रीडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, में से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हैशटैग बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, हैशटैग अक्षय कुमार, हैशटैग टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फुल एचडी पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे लोग इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के ओटीटी रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के पूरी की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाली इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के ओटीटी रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली, और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्म के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के ओटीटी प्रीमियर एट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीजन से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन
साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है, थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन-कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनरा की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रेमियों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनरा की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अब्बास जफर ने 2024 में जो कि 2023 की ब्लडी डडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास के बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे, और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने का सबसे बड़ा रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जनरा के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था, और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज फिल्म के लिए। और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न, इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHSMovie योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो, ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है, एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंघम अगेन दोनों ही मूवी
प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जनरा की मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार टू जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर। और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, में से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां फुल HD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के पूरी की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी को OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनर की मूवीज़ प्रीमियर देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं, और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनर के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज में आई, जिसके रीजन से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियां छोटे मियां एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो, कॉमेडी
कमेंट करिए ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली। लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज करने के जिक्र किया था। उसके रीजन से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज फिल्में के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स सीरीज साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज में नहीं आ रहा है जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए ताकि दोस्तों मूवी फिल्में के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्में के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और पिछले टाइम रिलीज हुई आई इट मूवीज़ के अलावा हम आप सभी को काफ़ी सारी नई मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को बैक टू बैक इन जॉनर की मूवी देखने को मिल जाए। और अली अफ़ज़ जफर ने 2024 में जो कि 2023 की ब्लडी डैडी एक OTT रिलीज मूवी शाहिद कपूर को लेकर इन्होंने बनाया था, उसके बाद बड़े मियाँ छोटी मियाँ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके रीजन से आप सभी को बता दें बजट इस मूवी का काफ़ी हाईएस्ट बजट होने वाला है, 350 करोड़ के आसपास बजट बनाए हुए इस मूवी के साथ काफ़ी पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इस मूवी को आप सभी को 10 अप्रैल पर रिलीज करेंगे और मूवी के प्रीमियर के बारे में चर्चे होने के सबसे बड़े रीज़न पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइम वो नज़र आ रहा है इन मूवीज़ के जॉनर के अंदर, जिन्होंने सोलार मूवी के अंदर भी अपनी कास्टिंग और क्लियरिटी को दिखा दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और पिछले लंबे वक्त से इनके पॉपुलैरिटी के बारे में चर्चे भी हो रखा था और लोग इस तरह के मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजन्स मूवी के हिंदी प्रीमियर फैन के लिए अच्छी खासी मूवी देखने को मिलना, और हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से हमें कमेंट भी कर रहे थे इस तरह के मूवीज़ के रिलीज़ फिल्में के लिए, और उसी दौरान आप सभी को इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में जानकारी हम और ऑलरेडी करवा चुके थे। अगर दोस्तों आप भी इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के सिनेमा की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो, आप हमारे साथ अपडेट में रहिए। प्रीमियर के साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग्स काफ़ी सारी मूवीज़ हम ऑलरेडी आप सभी के पास शेयर कर चुके थे, और कुछ पॉपुलर और बेहतरीन मूवी के बारे में चर्चे होना और इन मूवीज़ के रिलीज़ फिल्म के बारे में अपडेट होना काफ़ी अच्छी बात भी रह चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिएगा, ताकि दोस्तों अपकमिंग डेज में आने वाली इन मूवीज़ के साथ आप सभी को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी देखने को मिल जाए। हिंदी फैनों ने हमें ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया था इन मूवीज़ के रिलीज़ प्रीमियर के लिए, और पिछले टाइम मूवी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड की मूवीज़ ने बैक टू बैक सुपर डुपर कमाई कर रही है, और उन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल रही है। हिंदी सिनेमा के फ़ैन इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़
देखने के लिए इंतज़ार में रहे थे, और पिछले टाइम मूवीज़ को फ़ैन को थ्रिलर एक्शन मूवी देखने को भी मिल रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, बड़े मियां छोटे मियां के अंदर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को लीड कास्ट में देने के सबसे बड़े रीज़न इतने दो बड़े एक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो लोग तैयार होना सबसे बड़े रीजन्स रहा था, जिसके रीज़न से बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके साथ साथ लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस टाइम इस मूवी के बजट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा के काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना वो चाह रहे थे, और इस टाइम आप सभी को बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को भी मिल रखा है। #FullHeadMovie योद्धा लेके कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोगों को बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखना पसंद है। दोस्तों हाल ही में रिलीज़ हुई योद्धा मूवी को प्रीमियर के साथ आप सभी देख सकते हो। ऑपरेशन और फाइटर मूवी को ऑलरेडी प्रीमियर में लेके आ चुके हैं। फाइटर मूवी नेटफ्लिक्स पर FullHD पर देखने को मिल जाएगा, वो भी इसी जनरा से है। एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए इस टाइम दोनों ही मूवी काफ़ी खास लगने वाला है। और इस टाइम तो वार की दूसरी सीक्वल वार 2 और सिंगम अगेन दोनों ही मूवी प्रीमियर में आने वाला है, जो कि दोस्तों इस टाइम थ्रिलर मूवी पसंद करने के लिए और वो इस जनरा के फैन के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। और उन सभी को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है जो लोगों ने काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इन मूवी को लेकर। इसके रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस तरह के जनरा के मूवी प्रीमियर के फ़ैन जो इंतज़ार में थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, आप सभी के लिए इन दिनों बॉलीवुड की बैक टू बैक मूवीज़ वार 2 जैसी काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी के साथ एक्साइटिंग स्टोरी मूवी भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग डेज में हम आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर और उन मूवीज़ के जॉनरा के बारे में जानकारी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप सभी को आसानी से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे हिंदी सिनेमा के मूवीज़ के लिए, उन सभी के लिए इस टाइम इन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आने वाला है। और दोस्तों हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने के सबसे बड़े रीजंस इस टाइम हमारे फ़ैन फॉलोइंग ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ लोगों को काफ़ी सारे नए मूवी भी देखने को मिल जाएगा। और हम आप सभी को ऑलरेडी पॉपुलर मूवी में से काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी को इंट्रोड्यूस करके आप सभी के पास लेकर आ चुके थे, जिनमें से कुछ सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के प्रीमियर ऑलरेडी OTT पर हो चुका है, और कुछ मूवीज़ के ऑफिशियली OTT रिडायरेक्ट लिंक हम आप सभी को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, में से कुछ पॉपुलर मूवी आसानी से अभी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ अपडेट में रहिए, वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर के साथ आप सभी को इन दिनों ये सब मूवी आसानी से देखने को मिल जाए। तो दोस्तों #बड़े मियां छोटे मियां हिंदी वर्जन फुल मूवी लेके कमेंट करिए, #अक्षय कुमार #टाइगर श्रॉफ हिंदी न्यू मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। साल 2024 की एक्शन थ्रिलर मच अवेटेड मूवी बड़े मियां छोटे मियां FullHD पर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां जो हाल ही में रिलीज होने वाला है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्षय कुमार, पृथ्वीराज कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुष सिंह और आलिया जैसे एक्टर इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, और काफी सारे लोग इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के OTT रिलीज फुल इंफॉर्मेशन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी के फूड की पूरी रिलीज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों इन दिनों रिलीज में आने वाले इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज प्रीमियर के अलावा आप सभी को मूवी की हिंदी प्रीमियर और ये मूवी के OTT रिलीज के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। हिंदी फैन काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखना पसंद कर रहे थे और इस तरह की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए इन दिनों ये वीडियोज स्पेशली टारगेट करके बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का लीड कास्ट देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन मूवी आप सभी ने इस मूवी को कह सकते हो कि दोस्तों, जिस मूवी के अंदर आप सभी को भरपूर थ्रिलर रोमांस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और इस मूवी के रिलीज के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली टारगेट करके बनाया है।
अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन के पास इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ फिल्में देखना पसंद है और 2024 की सबसे बेहतरीन मूवी इस मूवी को बनाने वाले हैं। और दोस्तों इस टाइम योद्धा फाइटर जैसे इसी जॉनरा के लेकर काफ़ी सारे मूवी रिलीज़ में आई, जिसके रीज़न से थ्रिलर मूवीज़ बढ़े पड़े हैं 2024 के अंदर। साथ ही साथ शैतान मूवी भी हाल ही में रिलीज़ में आया था, जो एक सस्पेंस मूवी आप लोगों ने कह सकते हो इस मूवी को, जो एक बेहतरीन मूवी भी रह चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मूवी जो 90s की मूवी को रीमेक कह सकते हैं, पर दोस्तों ये मूवी के नाम ही अकेले ही लेके आए, पर दोस्तों ये अलग किरदार की मूवी होने वाली है। मूवी एक भरपूर एक्शन थ्रिलर होने के रीजन से इस मूवी के प्रीमियर के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे थे। हाल ही में इस मूवी का टीजर ट्रेलर भी यूट्यूब पर देखने को मिल सकेगा, जो एक पॉपुलर मूवी के तरह दिख रही है। मूवी की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, इस तरह के हिंदी फिल्म की मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक करिए। इन दिनों काफ़ी सारे लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद आ रहा था, जिसके रीज़न से हम बैक टू बैक सुपर एक्साइटिंग और बेहतरीन मूवी के प्रीमियर आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं, जिसके रीज़न से बैक टू बैक पॉपुलर मूवी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ही चले जा रखा है। और आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो कमेंट करिए, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर आप सभी को बैक टू बैक थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाए। साथ ही साथ शैतान मूवी को हिंदी पर प्रीमियर करने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसके प्रीमियर और टेलीकास्ट के बारे में काफ़ी लंबे वक्त से चर्चे हो रखा है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी कमाई कर ली, लो बजट मूवी होने के वजह से भी 100 करोड़ क्लब पर इस मूवी ने पार कर ली। और हाल ही में थ्रिलर मूवी की तरह योद्धा मूवी भी रिलीज़ में आया है, जिसको शैतान मूवी के साथ साथ रिलीज़ करने के जिक्र किया था, उसके रीज़न से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। और इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की, और अलावा आप सभी को कौन सी जॉनर की मूवी पसंद है आप हमें कमेंट करिए। अपकमिंग डेज में लोगों को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाली है, और उसी दौरान से आप सभी को मैं काफ़ी पॉपुलर मूवी के रिलीज़ फिल्में के बारे में जानकारी करवा रहा हूँ, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ आप सभी को दीवी देखने को मिल रखा है। अब दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हो, हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी मूवी 2023 में रिलीज में आई, उनमें से काफ़ी पॉपुलर मूवी के OTT प्रीमियर राइट नेटफ्लिक्स साथ था, जैसे कि एनिमल मूवी हो सकता है, जवान और काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होने के रीज़न से इस टाइम लोग अंदाज लगा रहे हैं अपकमिंग डेज में आने वाली इन जॉनर की मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स के पास होगा, ताकि दोस्तों पॉपुलर मूवी आसानी से आप सभी को देखने को मिल जाए। हिंदी प्रीमियर के काफ़ी सारे फैन साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ को भी इंतज़ार कर रहे थे, पर दोस्तों इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की उतना खास मूवी रिलीज़ में नहीं आ रहा है, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस टाइम बैक टू बैक लोगों को मूवी देखने को मिल रही है थ्रिल मूवी बॉलीवुड की तरफ से, और इस मूवी को अली अब्बास जाफर सर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2016 की सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डडी, भारत, मेरे ब्रदर के दुल्हन जैसी मूवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके रीज़न से बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक अलग किरदार की मूवी हो सकती है, लोग अंदाज लगा सकती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम सुल्तान मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी रेकर ब्रेक कमाई की थी, और उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवी भी देखने को मिल गया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि दोस्तों मूवी फिल्में के फ़ैन को इस टाइम इतनी पॉपुलर मूवी देखने को मिल जाए, ताकि उन सभी को काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छी मूवी इस टाइम देखने को मिल जाए। हिंदी फिल्म के फ़ैन इस जॉनर की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और उन सभी के लिए इस टाइम ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात होने वाला है। वीडियो